The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. It means student जब colonial rule था, I mean जब British rule था, तो उस time पर जो political institution थे तो जब जो लोग उसमें involved थे, जो Indian leaders उनमें involved थे, तो उनकी ये जो knowledge थी कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन को और डिज़ाइन किया जा रहा था तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हुई. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू. देखिए जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर जो वोटिंग राइट्स था वो बहुत ही कम लोगों को दिया गया था. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी वीक लेजिस्लेचर. इस बेसिस पर जो ब्रिटिशर्स ने अपना लेजिस्लेचर प्रिपेयर किया था, जो विधायिका उन्होंने तैयार की थी, तो वह बहुत ज़्यादा वीक थी. इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश रूलिंग वाले इंडिया में, जहाँ पर ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज के लिए इलेक्शंस करवाए गए. दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और इन इलेक्शंस से जो गवर्नमेंट बनी थी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. बट क्यों नहीं थी? बिकॉज वहाँ पर सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे, सभी ने अपना ओपिनियन नहीं दिया था. बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाई इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ऑन इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स जो लीडर इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे थे तो उनको इस बात का बेनिफिट हुआ और उनको एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम पर जो भी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब इंडियंस लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन बनाने थे, अपने सिस्टम्स बनाने थे और उनको रन करना था अपनी गवर्नमेंट को. दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई इंस्टीट्यूशन और सिस्टम्स को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया गया जैसे कि वो पहले थे. जिसका एग्जांपल है 1935 का इंडियन गवर्नमेंट लॉ. तो ये एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर था और इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अडॉप्ट कर लिया गया था. Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. देखिए स्टूडेंट, सालों तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो डेलिब्रेशन चलता रहा, जो थिंकिंग थी चलती रही, लोग सोचते रहे, विचार करते रहे उसके ऊपर कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कैसा वो बनकर प्रिपेयर होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस. और लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस, हमारे जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस आया जो उन्होंने अदर कंट्री से सीखा था. मतलब अदर कंट्री से जो जो बातें उन्होंने सीखी तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस बाहर अदर कंट्रीज से लिए हैं वो उनको अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं. मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हमारे बहुत से लीडर्स ऐसे थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके जो आइडल थे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन. और ब्रिटेन में जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट को प्रैक्टिस किया जाता था उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए. एंड द बिल ऑफ राइट इन द US. और US में जो सिटीजन्स के राइट्स थे उन राइट्स से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक द शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी.
और रशिया में यानी कि रूस में जो सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि जो सामाजिक क्रांति हुई उसने भी कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स को ये सोचने के लिए इंस्पायर किया कि वो एक ऐसा सिस्टम को शेप दें जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग वॉट अदर हैड डन, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूसरों की जस्ट नकल करना चाहते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अदर कंट्रीज़ की सिर्फ नकल करना चाहते थे, वो उनसे आइडियाज़ लेना चाहते थे और उसे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते थे। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, और जब भी वो किसी अदर कंट्री की कुछ चीज़ों को अप्लाई करते थे तो उनके माइंड में क्वेश्चन हमेशा रेज होता था कि क्या ये चीज़ें हमारी कंट्री के लिए सुटेबल हैं, क्या ये चीज़ें हमारी कंट्री के सिटीजन्स पर सूट होंगी। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सभी चीज़ें थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।